बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वजाहत है। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो परसेप्ट्रॉन है। परसेप्ट्रॉन फंडामेंटली 1943 में एक इनिशियल बिल्कुल फर्स्ट आपके पास लर्निंग एल्गोरिथम था, और फिर इसके अंदर हम एक छोटी सी वेरिएशन करते हैं जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड लॉजिक यूनिट कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये टॉपिक्स कवर करेंगे, परसेप्ट्रॉन और उसके बाद थ्रेशोल्ड लॉजिक यूनिट। और इसमें जो हमारे कंटेंट्स होंगे उसमें हम लोग इसके जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं या इसके जो जिसका जो एल्गोरिथम है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग इसका एक जो न्यूमेरिकल है उसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए, इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने कवर किया था कि एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन की जो फंडामेंटल फंक्शनैलिटी है या वर्किंग है वो क्या है। तो हमने उसमें देखा था कि हमारे पास एक जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन होता है वो मल्टीपल इनपुट्स लेता है, और अपनी इनपुट्स को जिसको हम यहाँ पे X1 से लेके XN तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं को आप एक कॉरिस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करता है, और करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है उसको हम कहते हैं ये एक्टिवेशन लेवल है। मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करता है बेसिकली, और जो हमारे पास रिजल्टेंट बनता है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन लेवल। अच्छा, फिर इस एक्टिवेशन लेवल को हम लोग एवेल्युएट करते हैं कि क्या ये एक्टिवेशन लेवल इतना है कि जो न्यूरॉन है वो फायर करे। तो बेसिकली ये हम मेटाफोर ले रहे हैं उस बायोलॉजिकल न्यूरॉन की वर्किंग से रखते हुए। तो इस चीज की जो डिटर्मिनेशन है ये करता है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, इसको हम लोग ये पास करते हैं एक्टिवेशन लेवल, और डिपेंडिंग ऑन के एक्टिवेशन फंक्शन क्या है। इससे जो प्रीवियस वीडियोस थी उसके अंदर मैंने एक्टिवेशन फंक्शन को काफी डिटेल में डिस्कस किया है, और जो भी आप यहाँ इस्तेमाल करने जा रहे हैं एक्टिवेशन फंक्शन उसके बेसिस के ऊपर आपके पास जो है आउटपुट मिल जाती है। अगर आपने किसी वजह से वो वीडियो स्किप की है तो आप इसको फिलहाल इतना समझ लें कि एक्टिवेशन लेवल जो हमारा ए है यहाँ पर, जब इसको हम गुजारते हैं इस एक्टिवेशन फंक्शन से, तो एक्टिवेशन फंक्शन ये डिटरमिन करता है कि इस एक्टिवेशन लेवल को उसने किस टाइप की आउटपुट वाई पे ट्रांसफॉर्म करना है। अगर मुझे क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास ए आएगा ये रियल नंबर होगा, मगर यहाँ पर जो मुझे वाई चाहिए अगर मुझे वो डिस्क्रीट चाहिए 1 या 0 चाहिए, या मुझे कोई और वैल्यू चाहिए 1 या -1 चाहिए, बिटवीन 0 एंड 1 चाहिए, बिटवीन -1 एंड 0 1 चाहिए, रियल नंबर्स में चाहिए या डिस्क्रीट वैल्यूज में चाहिए, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, तो वो इस रियल नंबर को उस रिक्वायर्ड जो फॉर्मेट है, रिक्वायर्ड जो रेंजेस हैं, रिक्वायर्ड जो टाइप है उसमें उसको वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो ये रोल होता है एक्टिवेशन फंक्शन का, और जो यहाँ से हमारे पास आउटपुट वाई बन के आती है उसको हम लोग लेते हैं और एरर पास करते हैं। एरर का जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है कि हम सुपरवाइज लर्निंग कर रहे हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग कर रहे हैं, उसके मुताबिक हम अपना एक्टिवेशन फंक्शन चूज करते हैं, हम अपना एरर का फंक्शन चूज करते हैं। और जो एरर का फंक्शन है वो हमें बताता है कि आपकी जो आउटपुट है उसमें कितना एरर आ रहा है। अच्छा जी, जैसे मैंने पहले कहा कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज के मुताबिक आपका एरर फंक्शन क्या होगा वेरी करेगा। तो ये जो एरर फंक्शन है इसको हम लोग लेते हैं और इसको पास करते हैं अपने लर्निंग रूल के अंदर। ये भी हम पीछे बात कर चुके हैं, जो लर्निंग रूल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड के लिए। तो अकॉर्डिंगली जनरली हमारा ये होता है कि हम एक स्मॉल फैक्टर जिसको डेटा W कह रहे हैं यहाँ पर, हम वो ऐड करते हैं अपने इस ओल्ड वेट के अंदर। जैसे यहाँ पे ये W1 से लेके WN तक के सारे ओल्ड वेट है, हम इन सब के अंदर बारी बारी जो डेटा W है वो ऐड करते हैं। इन सब का जो डाटा W है वो सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। अगर बाय चांस किसी 2 वेट्स के लिए डाटा W सेम निकला आता है तो ये एक इत्तेफाक है, ये कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, वेरी भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा एक्टिवेशन हमारा जो लर्निंग रूल है वो क्या है। तो लर्निंग रूल के मुताबिक हमारा यहाँ पे वेट क्या होगा, चेंज होगा। वंस दी वेट्स आर चेंज, उसको हम क्या करते हैं इन ओल्ड वेट्स के साथ को रिप्लेस कर देते हैं। और ये आपका जो प्रोसेस है 4 स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये वाला हो गया, सेकंड स्टेप एक्टिवेशन, थर्ड आपके पास एरर, और फोर्थ आपके पास चेंज ऑफ वेट। सो ये 4 स्टेप्स आपके लर्निंग फेज के अंदर कॉन्टिन्यूसली चलते जाते हैं जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि आपका जो न्यूरॉन है उसने लर्न कर लिया है। जो हमारे पास क्लासरूम एग्जाम्पल्स हैं जब हम उसको स्टार्ट करते हैं उसमें, तो हम लोग यहाँ पर जो एरर है उसको 0 कर लेते हैं, और हम देखते हैं कि क्या तमाम इनपुट्स के लिए जब एरर 0 हो जाता है तो हम कहते हैं कि सेटिस्फाई हो गया। बट रियल लाइफ में इतनी आइडियल कंडीशन नहीं होती हैं, वहाँ पे हम लोग एक टर्मिनेटिंग कंडीशन रख लेते हैं कि हमें मिनिमम इतना जो है वो एरर रिक्वायर्ड है।
अगर उससे कम हो जाता है तो वेल एंड गुड, एटलीस्ट हम उतना जो मिनिमम हमारा रिक्वायर्ड एरर हम उतना अचीव कर लें। अच्छा जी, हम देखते हैं कि परसेप्ट्रॉन क्या चीज है। परसेप्ट्रॉन फंडामेंटली हमारे पास एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है न्यूरल नेटवर्क्स के डोमेन के अंदर रहते हुए, और इसका जो प्राइमरी रोल है वो ये है कि सुपरवाइज लर्निंग करेगा। जैसे भी आपको मैंने ये बताया कि होता ये है हमारे पास कि जब हम लोग एरर निकालते, स्टेप्स वही हैं जो चार स्टेप हम पढ़ चुके हैं, एक्टिवेशन, आपने एक्टिवेशन निकालनी है, आपने एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना है, एरर निकालना है और वेट चेक करना है। तो अब यहाँ पर देखें सुपरवाइज लर्निंग में, जैसे पीछे बात करके आ रहे हैं मशीन लर्निंग की वीडियोस के अंदर, हमने कहा था कि हमारे पास हमेशा लेबल्ड डेटा होता है, हमें पता होता है कि हमारे इनपुट्स क्या हैं और हमें उसके मुताबिक अपनी जो हमें आउटपुट्स होती हैं वही पता होती हैं। तो हमें जैसे यहाँ देखें, हमें पता है कि हमारी इनपुट्स क्या हैं, ये हमारे इनपुट्स हैं, ये हमें नोन है, हमें यहाँ पता है कि हमारी आउटपुट क्या है तो ये भी हमें नोन है। तो बेसिकली ये डेटा हमें बताया जा रहा है, ये डेटा वही है जो कि हमने पीछे मशीन लर्निंग एग्जाम्पल्स में देख के आ रहे थे, तो कार वाला। तो इसके अंदर हमने ये किया कि हमें इनपुट नोन्स हो गए, आउटपुट नोन्स हो गए, तो इस आउटपुट को हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये हमारी टारगेट वैल्यू है। बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारा जो परसेप्ट्रॉन है जो भी आउटपुट दे वो इन इनपुट्स के मुताबिक, यानी अगर मैं इसको 00191 इनपुट में दूं तो मेरा जो आउटपुट वाई है वो बेसिकली मुझे इस तरह मिलना चाहिए कि वो क्या बताए मुझे कि मेरे पास जो कार है वो ब्लू है, और अगर मैं इसको ये वाली इनपुट्स दूं तो मुझे वो ये बताए कि कार मेरे पास क्या है वो बेसिकली ग्रीन है। जो हम पीछे एग्जांपल लेके चल रहे थे मशीन लर्निंग वाली वीडियोस के अंदर, उसके अंदर हमने ये कहा था कि अगर जीरो से बड़ा है, जीरो और वन के दरमियान, सॉरी 0.5 और वन के दरमियान में है तो हमने इसको ब्लू कहा था, 0 और 0.5 के दरमियान में इसको हमने ग्रीन कहा था। तो ये हमने एग्जाम्पल के लिए एक स्नैरियो बनाया था। एनी वेज, जो भी हमारा स्नैरियो, हम चाहते हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो इसके मुताबिक क्या हो जाए, अप्रॉक्सीमेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अब हमें वाई पता, हमें वाई मिल जाएगा, हमें यहाँ टारगेट वैल्यू मिल जाएगी। तो यकीन हम जब एरर निकालेंगे तो हम इसी ही टी को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर इसको आपको दिखा रहे हैं फ्लैश के अंदर, ये जो टारगेट वैल्यू है ये यहाँ पे इस्तेमाल होगी एरर के अंदर, क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर, एक बार याद रखिएगा कि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो भी हमारी लेबल्ड आउटपुट होती है उसको हम टारगेट वैल्यू ट्रीट करते हैं, और फिर इसी टारगेट वैल्यू को लेते हैं और अपने वाई के साथ कंपेयर करते हैं, और ये जो कंपेरिजन होता है वो डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह करने जा रहे हैं, हमारा एरर फंक्शन क्या है हम लोगों ने लिया है। तो फिलहाल सिंपलिसिटी के लिए हम ये कर सकते हैं इस टाई टी और इस वाई के दरमियान में जो डिफरेंस है वो निकाल लेते हैं। तो टेक्निकली मैं अगर टी माइनस वाई करूँ तो मुझे एक किस्म का मेरा जो एरर है वो मुझे मिल सकता है। इस एरर को लेते हैं और उसके बाद हम अपने जो वेट्स हैं उनको चेंज करते हैं। तो परसेप्ट्रॉन जो है वो हमें बेसिकली वेट्स चेंज करने में भी क्या करता है, हेल्प आउट करता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वेट्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं, यहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो हम क्या रखेंगे, एंड सो ऑन। तो परसेप्ट्रॉन को जब आप देखेंगे नेट के ऊपर जाके या किसी किताब में जाके पढ़ेंगे तो आपको वहां पर ये थ्री पॉसिबल वे में उनकी जो आपको है वो रिप्रेजेंटेशन मिल रही होगी। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तीन शायद डिफरेंट चीजें हैं या क्या है, तीनों एक ही चीज है। ये जो मैंने आपको बना के दी है रिप्रेजेंटेशन, ये वो है जो कि हम लोग नॉर्मली जब हम ट्वीट करते हैं एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन को एज एन ऑपरेशनल फीडबैक एम्पलीफायर, तो हम तब इस रोटेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर आप ये वही दिख रहे हैं रोटेशन, तो दे आर मोर लाइक कंप्यूटेशनल और रिप्रेजेंटेशन है जो हमें ये बता रही है कि हमारे पास एक किस्म का ग्राफ बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है। इस ग्राफ में हमने न्यूरॉन्स को, इस वाले के अंदर हमने न्यूरॉन्स को बेसिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है एक ग्राफ बेस्ड के अंदर, जिसमें हम कह रहे हैं कि ये हमारी इनपुट लेयर है, जिसमें इनपुट लेयर में हम लोगों ने कह दिया है कि इसमें दो न्यूरॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल X1 X2। एक बार याद रखिएगा कि इनपुट लेयर जो उनसे होती है वो नॉर्मली एक्ट करती है एज ए बफर के तौर पर। तो यहाँ से जो भी इसको आएंगी इनपुट्स वही इनपुट्स एज इट इज क्या होती हैं, आगे ट्रांसफर हो जाती हैं। इसीलिए इसी चीज की जो एक सिंपलेस्ट आपको मिलती है रिप्रेजेंटेशन लिटरेचर के अंदर वो ये वाली है। इसमें देखिए, इसमें कहीं पर भी हमने इनपुट लेयर को एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, यहाँ पर हमने कहीं पर भी न्यूरॉन्स को रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ,
तो अक्सर लोग ये समझ बैठते हैं स्टूडेंट्स के शायद इस वाली रिप्रेजेंटेशन के अंदर इनपुट लेयर नहीं है। देखिए इस वाली रिप्रेजेंटेशन के अंदर इनपुट लेयर है, पर क्योंकि हम इसको सिंपल रखना चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन के अंदर, इसलिए इसको हमने बनाया नहीं है, मगर टेक्निकली X1 X2 जो सी है वो इनपुट लेयर से ही आ रही है हमारे पास इस न्यूरॉन के अंदर। उसी तरीके से ये स्टेप दोनों में सेम है जो कि हम पीछे देख के देखा था हम लोगों ने, जैसे इसमें हम कहते हैं कि ये हमारे पास समेशन नोसा बता रहा है कि ऑल कॉरिस्पॉन्डिंग जो हमारे सॉरी जो ऑल इनपुट्स हैं वो आपके कॉरिस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे ऐड हो रही हैं। तो इसको हम सिंपलिसिटी में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इनपुट का जो वेटेड सम है वो मिल रहा है, और उसके बाद जो भी हमने इस्तेमाल करना है अपना एक्टिवेशन फंक्शन वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। ठीक है जी, तो चाहे आप इनमें से कोई सी भी इस्तेमाल करें रिप्रेजेंटेशन, याद रखिएगा कि जब भी इनपुट्स आती हैं तो वो किसी ना किसी इनपुट लेयर से आ रही होती हैं, पीछे कोई ना कोई लेयर होती है, चाहे आप उसको एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट करें या रिप्रेजेंट ना करें, और वो लेयर हमेशा एक्ट करती है एज अ बफर, विच मीन्स के जो भी इनपुट आएगी वही आगे एज इट इज क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक जो इसकी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, इसलिए मैं खाली बफर का वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि अकॉर्डिंगली आगे स्टेप्स वही चलेंगे, हमारे पास इनपुट्स आ जाएंगी, हम एरर्स लेंगे और वेट। अब जो परसेप्ट्रॉन के अंदर जब हम वेट चेंज करने की बात करते हैं उसमें क्या होता है, जैसे हम पीछे बात करके आए थे हमारे पास ओल्ड वेट में हम स्मॉल फैक्टर ऐड कर देंगे, हमें परसेप्ट्रॉन लर्निंग ये भी बताता है कि ये डेल्टा डब्ल्यू आपने कैसे कंप्यूट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि जैसे मैंने कहा चार स्टेप्स हैं, तो यहाँ पे हम चारों स्टेप्स को बारी बारी देखते हैं कि परसेप्ट्रॉन लर्निंग में क्या होता है। जैसे पहला स्टेप है वो वाजे तौर पर क्लियर है कि एक्स डब्ल्यू वन से मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरीके से जो एक्स टू है वो डब्ल्यू टू से मल्टीप्लाई होगा, दोनों ऐड होंगे और यहाँ पे हमारे पास एक्टिवेशन लेवल आ जाएगा। ये वही है जो पीछे बार 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 बात करते आ रहे हैं। एक्टिवेशन फंक्शन की जो बात है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल एल्गोरिथम था उस वक्त का, जो इसकी इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन थी उसके अंदर हमने ये अज्यूम किया था कि अगर एक्टिवेशन जो ए है जो यहाँ पे कंप्यूट होके आ रहा है, अगर ये जीरो से बड़ा हो जाता है तो आउटपुट न्यूरॉन फायर करेगा, विच मीन्स के आउटपुट वाई वन हो जाएगी, अदरवाइज आउटपुट वाई क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये हमने यहाँ पर यूनिट स्टेप या हार्ट लिमिट फंक्शन इस्तेमाल किया है, इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि अगर ए जीरो से के बराबर या जीरो से बड़ा हो जाता है तो आउटपुट वाई वन हो जाएगी, अदरवाइज आउटपुट आपकी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो हमारे पास सिंपल ये क्या हो गए, पहले दो स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप में हमने एरर कंप्यूट करना है, तो एरर हम यही करेंगे कि हमें क्योंकि यहाँ टी नोन होगा ड्यू टू दी सुपरवाइज लर्निंग नेचर, तो इस टी को लेंगे और हम इस वाई को लेंगे और इनके दरमियान डिफरेंस निकाल लेंगे, टी माइनस वाई कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। और इसके बाद जो चौथा स्टेप है इसमें हमने वेट्स को मॉडिफाई करना है वो आ जाएगा। देखें ये पहले तीन स्टेप्स वही हो गए, स्टेप वन हमारे पास, स्टेप टू हमारे पास, स्टेप थ्री। तो मैं आपके आसानी के लिए यहाँ पे इनको एक दफा लेबल भी कर देता हूँ ताकि अगर आप कहीं पे इसको मिस कर जाएं। तो हमने क्या किया, ये हमारा स्टेप वन था, इसको हमने बेसिकली सॉल्व करने जा रहे हैं इस तरीके से, ये हमारा स्टेप वन हो जाएगा। ये हमारे पास स्टेप वन हो गया, ये हमारे पास स्टेप टू हो जाएगा, ये स्टेप थ्री हो जाएगा और इसी तरीके से ये हमारे पास स्टेप फोर। यहाँ पर जो फार्मूलाज हैं अगर आप जुड़ रहे हैं तो ये वन के लिए फार्मूला है, स्टेप है, ये स्टेप नंबर टू में चलेगा, ये थ्री में चलेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं फोर की, जिसमें हमने कहना है कि ये हमारे पास किस तरीके से डेटा डब्ल्यू कंप्यूट होगा। डेटा डब्ल्यू कंप्यूट करने के लिए हमें जो परसेप्ट्रॉन है हमें कुछ इस तरीके से जो फार्मूला है वो देता है, जो मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वंस अगेन मैं आपके आसानी के लिए इसको दोबारा से लेबल अप कर देता हूँ ताकि आप लोग ना हो। और ये हमारे पास स्टेप फोर हो गया, जो डेटा डब्ल्यू है इसको हम लोग इस तरीके से कंप्यूट। देखिए ये सिंपलेस्ट वर्जन है, मैं इसकी डेरिवेशन पे नहीं जा रहा, इस वीडियो में हम सिंपल इसका देखने जा रहे हैं इसका एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, तो होता यह है हमारे पास कि ये हमारा एरर है जो हमने निकाला है स्टेप नंबर थ्री के अंदर, जो हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये हमारे पास इनपुट आ रही है जो कि हमारे पास एक्स वन हो सकती है या हमारे पास एक्स टू हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, जो भी इन हमारे इनपुट्स आ रही है। ये अल्फा आपके लिए एक नई टर्म है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर
लर्निंग रेट। अच्छा जी, लर्निंग रेट को आप इस तरह समझें कि लर्निंग रेट क्या चीज है। देखें, लर्निंग रेट दो तरह के होते हो सकते हैं, दो तरीकों से किया जा सकता है इनको इम्प्लीमेंट। एक में हम लर्निंग रेट को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और दूसरा यह है कि हमारे पास जो लर्निंग रेट है वो क्या है, वो अडेप्टिव है, जो कि डायनामिकली क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। इसको समझने के लिए कि लर्निंग रेट का रोल क्या होता है, हम इसको ऐसा देखते हैं कि अब यहाँ पर टॉप के ऊपर देखें तो मैं यहाँ पर एज्यूम करता हूँ, मैं ये अजम्पशन ले रहा हूँ कि मेरे पास टाइम के साथ साथ इस तरह न्यूरॉन ये चार से परफॉर्म करता जा रहा है, उसमें जो एरर है वो वेरी कर रहा है, कभी एरर इंक्रीज हो रहा है, कभी इसका जो एरर है वो डिक्रीज हो रहा है। अब देखें, लेट्स अज्यूम दिस थिंग के इस सरफेस के ऊपर, इस एरर सरफेस के ऊपर लेट्स से ये पॉइंट है जहां पर आपका जो एरर है वो सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, वो मिनिमम हो रहा है। देखिए, ये जूम करें, यहां पे इस पॉइंट के ऊपर आपका जो एरर है वो सबसे ज्यादा लेट्स से क्या हो रहा है, मिनिमम एरर हो रहा है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूं कि लेट्स से ये आपका क्या है, ये आपका मिनिमम एरर है, और आपने यहां पे आके क्या होना है, रुकना है। अच्छा जी, ये करने के लिए अब क्या होता है, डेटा डब्ल्यू का रोल क्या है। देखिए, हर स्टेप के ऊपर हमारे पास जो आएगा डेल्टा डब्ल्यू आएगा, ठीक है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। उसकी वैल्यू के ऊपर हर डेटा, याद रखिएगा, हर डेटा डब्ल्यू के ऊपर आपके पास कोई ना कोई एरर कैलकुलेट हो रहा था। जैसे यहां देखें, यहां पर आपके पास इनिशियली डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू था, कि यहां से गया इधर आया, एरर कैलकुलेट हो गया, एरर वेट चेंज हुआ। अगर चेंज हुआ वेट, तो न्यू यहाँ पे क्या होंगे, वेट सप्लाई होंगे, फिर जाएगा, फिर एरर आएगा। इसका मतलब यह है कि वेट्स के साथ साथ आपका एरर चेंज हो रहा है, विच मीन्स कि या ये जो एरर है पहला वाला, ये किसी एक वेट पॉइंट के ऊपर आया, ये किसी वेट पॉइंट के ऊपर आया। इसका मतलब यहां से यहां तक फर्क है वो किस तरह किसी डेल्टा डब्ल्यू के इफेक्ट की वजह से आ रहा है, यहां से यहां तक फर्क है वो फिर क्या है, किस तरह किसी डेल्टा डब्ल्यू की वजह से आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर जो हमारा डेल्टा डब्ल्यू कंप्यूट हुआ था, अगर वो बहुत छोटा होगा तो वो क्या हो, अगर ये डेल्टा डब्ल्यू आपका बहुत स्मॉल है तो आपका जो एरर का जो वेरिएशन है वो भी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। अच्छा जी, अब स्मॉल है तो नंबर ऑफ जो आपके एरर में वेरिएशन के स्टेप्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, फिर इस तरीके से इंक्रीज होते जाएंगे, वेरी होते जाएंगे, और आप इस सरफेस पे ऐसे ट्रेवल करते जा रहे हैं, कभी वेट्स के चेंज होने से एरर बढ़ रहा है, कभी वेट के चेंज होने से एरर आपका कम होता जा रहा है, और बात करें वो मुसलसल कम होता जाएगा, थोड़ा सा बात करें इंक्रीज होगा, इट कुड बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन कि आपका डेल्टा डब्ल्यू क्या निकल रहा है और वेट में कितनी वेरिएशन आई है। अच्छा जी, यहां करते करते आप आए, अब देखें कि हो सकता है कि ये वेरिएशन इतनी स्मॉल है कि आप इसको क्या करें, स्किप कर जाए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहां पे टेक्निकली आपको यहां पे इतना चाहिए था, मगर आपने यहां से क्या किया, शूट करके आप इधर आ गए। ये जो जंप लगा आपका, ये डेटा डब्ल्यू की वजह से लगा है, क्योंकि डेटा डब्ल्यू इतना स्मॉल नहीं था कि वो आपको राइट पॉइंट के ऊपर लाके क्या क्या करता, खड़ा करता, इस पॉइंट पर लाके खड़ा करता, आप इसको ऐसा समझे। अब मैं अगर ये स्टेप साइज और रिड्यूस कर दू तो ये जो वेरिएशन है दो पॉइंट के दरमियान में एरर के, वो और कम हो जाएंगे। मगर अगर मैं पहले वाले की बात करूं, देखिए पहले वाले में अगर मैं लेट्स अज्यूम कि मैंने जो कट्स लगाए हैं ये बिल्कुल ठीक है, सिर्फ समझने के लिए आप अज्यूम करें कि मैंने कट्स लगाए हैं ये बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसे ही काम होगा, मैं कट्स काउंट करता हूँ वाइट, अप्रोक्सीमेटली 35 से लेके 37 के दरमियान मेरे ये क्या बन रहे हैं, स्टेप्स बन रहे हैं। अब मैं अगर ये डेटा डब्ल्यू बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, तो क्या होगा, इंक्रीज करने से मैं जो मार्जिन है, जो वेरिएशन है, अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं तो ये स्टेप साइज इंक्रीज हो जाएगा। लेट्स से डेटा डब्ल्यू की वजह से इतना वेरिएशन आ रही है, एक फिक्स में वेरिएशन निकालता जा रहा हूं, तो यकीनन स्टेप्स तो इसके मुकाबले में क्या होंगे, कम हो जाएंगे, मगर शूट करने के जंप है एज कम्पेयर टू व्हाइट वाले के, वो और क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अगर मेरा डेल्टा डब्ल्यू लार्ज होता है तो मैं ज्यादा स्किप करता हूं, स्मॉल होता है तो मेरे स्किप के चांसेस कम है, प्रॉबिलिटी उसकी कम हो जाती है। मगर मेरा स्टेप साइज इंक्रीज हो जाते हैं, स्टेप साइज इंक्रीज होते हैं तो मेरी ये जो आइट्रेशन हैं ये बढ़ जाती हैं, विच मीन्स के स्टेप साइज स्मॉल करने से मेरा कंप्यूटेशन टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। स्टेप साइज इंक्रीज करने से क्या होता है कि देखने में अपेरेंटली नजर आता है कि हमारा स्टेप्स, हमारे साथ कंप्यूटेशन टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा, हम बड़े अच्छे जा रहे हैं क्योंकि हमारा स्टेप साइज लार्ज हो गया है, मगर क्या हो रहा है,
कि हम जब शूट करते हैं तो फिर हमारे एल्गोरिथम को ज्यादा टाइम वेट करने पड़ते हैं ताकि वो वेट को चेंज करे, कभी पीछे जाएगा कभी आएगा, कभी पीछे जाएगा कभी आगे आएगा। इस टू पॉइंट्स के दरमियान में उसने अपने आप को क्या करना है, एडजस्ट करते जाना है। अब ये भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि बाजूकात हमें जो नजर आ रहा है शायद स्टेप साइज इंक्रीज करने से कंप्रेशन टाइम इंक्रीज हो रहा है, मगर एक्चुअली वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। इस जगह के ऊपर आके इतनी टू एंड फ्रो मोशन होगी कि आपकी लर्निंग जो सी है वो तो एक किस्म की वो कैपेसिटी में एंटर हो जाएगी। तो दोनों केसेस में हमारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका देखें होता क्या है, जब भी आप रियल लाइफ में अपने आप को देखें हम क्या बिहेव करते हैं, कि अगर ये आप मुझ खड़े हैं और आपने इस पॉइंट पे जाना है तो हम क्या करते हैं, जब हमारा टारगेट दूर होता है तो हमारा स्टेप साइज इंक्रीज हो जाता है। देखिए मैंने क्या किया, पहला स्टेप साइज बढ़ा लिया, दूसरा स्टेप साइज छोटा कर दिया, तीसरा से मैं इंक्रीज जाऊंगा, मैं स्टेप साइज क्या कर दूंगा स्मॉल करना शुरू कर दूंगा। तो ये जो अल्फा रे अल्फा है इसका रोल ये है, अल्फा क्या करता है, अल्फा हमारे स्टेप साइज को, यानी जो हमने एस्टिमेट लगाया है स्टेप साइज, एक्चुअल जो हमें स्टेप साइज चाहिए था वो ये चाहिए था एरर इनटू इनपुट, मगर इस एरर स्टेप साइज को बेसिकली उसने क्या करना है, अप्रोक्सीमेटली ऐसे कॉन्फिगर करना है, ऐसे एडजस्ट करना, ट्यून करना है इसको कि जब हमें डायनामिक है हमारे पास कि जैसे से हमारा वो दूर है एरर पॉइंट तो वो हमारा स्टेप साइज क्या हो रहा है इंक्रीज है, और जैसे नजदीक जा रहे हैं स्टेप साइज रिड्यूस होना शुरू हो रहा है। अच्छा जी, और फिक्स में तो यकीनन हमें उसका इतना कोई बेनिफिट नजर नहीं आएगा क्योंकि फिक्स में तो हमने वही काम किया जो हम पीछे करते आ रहे हैं, बस थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग हो जाती है, मगर इसका एक्चुअल इंपैक्ट हमें जब क्या होता है डायनामिक होता है तब मिल रहा होता है। अब एल्गोरिथम कैसे देखेगा कि दूर ही नजदीक है, एरर को जो एल्गोरिथम है उससे आइडिया होता है एरर के क्वांटिटी किसे, जब एरर बहुत लार्ज है या एरर क्या है आपका कम हो रहा है या किसी दो स्टेप्स के अंदर आपके पास कुछ किस्म का जो एरर है उसमें बहुत माइनर सी वेरिएशन आई है या बिल्कुल वेरिएशन नहीं आई है, तो इसके मुताबिक आप एक मैकेनिज्म डिवाइस कर सकते हैं एक प्लेंटी और रिवॉर्ड का मिसाल के तौर पे। तो जब आप समझते हैं कि आपका जो न्यूरॉन है वो अच्छा काम कर रहा है, ठीक काम कर रहा है, विच मीन्स के एरर उसका इतना अच्छा नहीं, उसका उसका इंप्रूव हो रहा है, वो कन्वर्ज कर रहा है, तो आप उसको शाबाश दे सकते हैं बाय गिविंग द रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड का मतलब यह है कि आप अकॉर्डिंगली उसका अल्फा सेट कर सकते हैं। जब आप देख रहे हैं कि वो प्लेंटी के ऊपर जा रहा है, जब उसको प्लेंटी देनी है अपने, तो आप अकॉर्डिंगली उसका जो अल्फा है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि उसको प्लेंटी के तौर पर उसको क्या हो उसको उसको इंपैक्ट जाए। तो प्लेंटी से और रिवार्ड से मुराद ये है कि आप उसका अपने प्रॉब्लम के मुताबिक एल्गोरिथम के मुताबिक जो आप यूज कर जा रहे लर्निंग का आप उसमें उसके स्टेप साइज अल्फा के साइज को आप वेरी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या अल्फा के साइज को आप माइनरली क्या कर सकते हैं ट्विस्ट कर सकते हैं अपसाइड के ऊपर या डाउनसाइड के ऊपर। फिलहाल अभी हम सिंपल रखते हैं, अभी हम अल्फा क्या करेंगे अपने सैंपल में फिक्स कर देते हैं। तो क्योंकि अभी हम फंडामेंटली भी हमने स्टार्ट किया है परसेप्ट्रॉन को, तो लेट्स कीप इट सिंपल और अभी हम क्या करते हैं इसको फिक्स कर लेते हैं। मगर लेटर ऑन एग्जांपल्स के अंदर जब हम जाएंगे आगे जाएंगे न्यूरल नेटवर्क्स में तो वहां पे हम लोग अडैप्टिव अल्फा भी लेंगे और फिर देखते हैं कि उसका जो असल हमें रोल वहां पे नजर आएगा बेहतर तरीके से। जब यहां से थोड़ा सा हम आगे चलते हैं देखते हैं कि परसेप्ट्रॉन की एक माइनर सी वेरिएशन है जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड लॉजिक यूनिट परसेप्ट्रॉन। मैं जैसे मैं बात की थी कि इसमें हम जो एक्यूएशन फंक्शन जो इसमें फंडामेंटली इस्तेमाल किया गया था वो यूनिट स्टेप था, इसमें चेंज है सिर्फ वही है, बाकी सारे स्टेप्स वही हैं, स्टेप वन भी वैसे ही काम करेगा आपका, स्टेप वन भी वैसे ही काम करेगा आपका, स्टेप टू के अंदर थोड़ी सी चेंज आ जाएगी। वो सिंपल चेंज ये है कि हमने यहाँ पे यूनिट स्टेप लिया था और यूनिट स्टेप में हमने यहाँ पर कहा था जीरो। मैं अगर आपको यहाँ पिछली वीडियो स्क्रीन करूँ, यहाँ देखिए हमने क्या लिया हुआ है, इस एक्टिवेशन फंक्शन में जीरो लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम जो फंक्शन लेंगे इसको लेंगे उसमें हम यहाँ पे क्या कर देंगे थीटा कर देंगे। थीटा क्या है, थीटा कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, कुछ भी आप दे सकते हैं बिटवीन जीरो एंड वन, ठीक है जी। क्योंकि आइडिया ये है क्योंकि हमने ये देखा जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जीरो लेने से बाजूकात क्या होता था कि सिस्टम को बहुत टाइम लगता था कन्वर्ज करने में, एरर को रिड्यूस करने में, तो इसकी उसकी इसलिए जिसकी वजह से यहाँ पे एक माइनस ही जो वेरिएशन है वो इंट्रोड्यूस की गई कि बजाय कि आप जीरो लेने के यहाँ पे आप कोई भी एक वैल्यू ले लें बिटवीन जीरो एंड वन, इसको हमने यहाँ पे थीटा कह दिया। थीटा यहाँ पे हमारा थ्रेशहोल्ड है, तो नाम इस तरह रखा गया है कि ये थ्रेशहोल्ड लॉजिक यूनिट है जो कि थ्रेशहोल्ड के बेसिस के ऊपर लॉजिक बिल्ड कर रहा है जिसपे फाइंड आउट करेगा कि आउटपुट वन होगी या आपके पास आउटपुट क्या होगी जीरो होगी, बाकी सारा जो मैकेनिज्म है वही रहेगा। तो अगर हम इसको समराइज करें तो हमारे पास परसेप्ट्रॉन क्या है, परसेप्ट्रॉन और लाइक एनी आर्टिफिशियल न्यूरॉन
एक फोर स्टेप प्रोसेस है जिसमें जो आपको बेसिकली पीएफ बताता है कि आपने वेट्स कैसे मॉडिफाई करने हैं। तो स्टेप वन में मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, स्टेप वन में हम लोग तमाम इनपुट्स को उनके वेट से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे। स्टेप टू में हम लोग अपना एक एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जो कि परसेप्ट्रॉन के केस में या तो हार्ड लिमिट होगा या फिर वो एक टीएलयू बेस्ड यूनिट भी हो सकता है। इसी तरीके से नंबर थ्री में हमें टारगेट वैल्यू गिवन होती है, तो हम लोग क्या करते हैं एरर निकालते हैं बाय डूइंग टी माइनस वाई। और जो सबसे आखिरी स्टेप है उसमें हम लोग क्या करते हैं वेट्स तमाम वेट्स को मॉडिफाई करते हैं, और उन तमाम वेट्स को मॉडिफाई करने के लिए हम जो फॉर्मूला पीछे मैं बार बार करता रहा हूँ डिस्कस कि न्यू वेट्स में हम क्या करते हैं ओल्ड वेट्स में हम एक स्मॉल फैक्टर ऐड करते हैं। और यहाँ पे जो डेल्टा डब्ल्यू है ये बेसिकली क्या होता है, आपके पास अल्फा को हम मल्टीप्लाई करते हैं इनपुट से और किससे एरर से जो हमने निकाला होता है। अल्फा यहाँ पे हमारा लर्निंग रेट है जो कि फिक्स भी हो सकता है और आपके पास डायनामिक भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो जाते हमारे न्यूरॉन ने लर्न कर लिया है। इसी जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा उसके अंदर मैं इसी परसेप्ट्रॉन को यूनिट स्टेप के थ्रेशोल्ड लॉजिक यूनिट के साथ मैं उसको दिखाऊंगा आपको कैसे सॉल्व।